भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर, उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग खत्म, बहुत कम कर दिया, और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर एक, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर दो और सेस नंबर तीन, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं उससे, अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उन्हें स्कीमें बता रहे हैं लोग, तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है, कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे, कौन पब्लिक को राज नहीं देना चाहेगा। मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है, मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से, उससे कंपेयर नहीं करें, करेंगे पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे, वहाँ की स्थिति अलग है, हमने स्टडी करवा दी उसकी, हमें मालूम है कि हमारे बॉर्डर एरिया में उस तरफ सस्ता है, इस तरफ गंगानगर महंगा, हमें मालूम है इस बात का एहसास है, आज नहीं 25 साल एहसास है। उसके बाद में चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई कम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मजबूरियाँ हैं, वरना रेवेन्यू होगी नहीं हमारे पास में। इसलिए ये जो जुमला बोल रहे हैं ये बहुत गलत है, इनको चाहिए कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करके नीचे लाएं। और जैसे यूपीए गवर्नमेंट जब था तब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तब तो महंगा हुआ था 60-70 रुपये 80 रुपये हो गया था, पर इनकी गवर्नमेंट आने के बाद तो इतना डाउन हो गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेल के अंदर, ये चाहते तो 40-50 रुपये ला सकते थे, आज तक क्यों नहीं लाए, पूरा खजाना ही भर रहे हैं। एक बात है, दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, जितने के नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, या जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उत्तराखंड के आ रहे हैं, और भी कोई आ रहे होंगे, अगर आप दिन भर भाषण सुनो तो एक ही टैब बोल रही है सबकी, एक ही टैब बोल रही है। लोकतंत्र में हमने जो 5 साल काम किया राजस्थान में, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महंगे राज शिविरों में गारंटी दी हम लोगों ने, 7 गारंटी आगे दे रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है, हमसे बहस करो भाई, हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो, अगर ये स्थिति तो उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली बात करेंगे, डाइवर्ट करने, नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे, बना के एक ही भाषा से बोल रहे हैं। वो क्या भाषा है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, भड़काने वाली बातें तो मैं कह देता हूँ, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है और राजस्थान की जनता के इंटरेस्ट में नहीं है। राजस्थान की जनता का इंटरेस्ट इसमें है, आप पर प्रतिस्पर्धा हो, कौन अच्छी गवर्नेंस दे, कौन अच्छी स्कीमें पेश करे, लागू करे, उसका जनता में हित होता है मेरा मानना। ये सब दिखावा है उनका, वो जो उनकी अप्रोच है, कई राज्यों में कर चुके हैं, वो हिमाचल मार खाए, कर्नाटक की मार खा गई, बजरंग बली बोले थे, बजरंग बली ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मेरा नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, वहाँ नहीं कामयाब हो पाए। तो इसलिए अब भगवान भी समझने लग गए हैं कि भाई हद हो गई है, मैं सबके लिए हूँ, सबके घटघट में हूँ, भगवान राम हो चाहे वो बजरंग बली हो, और ये व्यक्ति और ये पार्टी जो है मेरे मिसयूज कर रही है, कब तक बर्दाश्त करेंगे वो।